हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बेहतरीन सिंगर्स और बेहद उम्दा फास्ट बॉलर से पटा पड़ा है। बात करें अगर सिर्फ तेज गेंदबाजों की तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, माफ कीजिएगा लेकिन ये फहरिस्त काफी लंबी है। और अब इसी फहरिस्त में एक नया नाम शामिल हो चुका है, शाहीन शाह अफरीदी का। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने अपनी लहराती गेंदों से क्रिकेट के बड़े बड़े नवाबों को अपना शिकार बनाकर खुद को साबित किया है। आज शाहीन अफरीदी दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर बन चुके हैं। शाहीन अफरीदी अब अपना नाम कुछ यूनिक रिकॉर्ड में भी दर्ज करा रहे हैं और वो कैसे ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के इस यंग एंड एनर्जेटिक तेज गेंदबाज ने अपनी गेंदों से तो कमाल दिखाते ही आए हैं। हालांकि इस बार शाहीन ने अपनी कप्तानी से एक नया मुकाम हासिल किया है। दरअसल शाहीन ने वर्ल्ड के दो अजीम क्रिकेट कैप्टन को रिकॉर्ड बुक में पीछे छोड़ दिया है। शाहीन ने ये कमाल पाकिस्तान सुपर लीग में किया है। सबसे पहले आपको बता दें कि शाहीन की कप्तानी वाली लाहौर कलंदर्स ने लाहौर में खेले गए PSL के फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स को करारी शिकस्त दी है और इस जीत के साथ ही शाहीन ने एक नया इतिहास रच दिया है। असल में शाहीन शाह अफरीदी किसी बड़ी T20 लीग का खिताब जीतने वाले सबसे यंग कैप्टन बन चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले अफरीदी ने किसी भी स्तर पर कप्तानी नहीं की थी, लेकिन सीजन की शुरुआत से पहले लाहौर फ्रेंचाइजी ने जब उन्हें कप्तान बनाया तो कई लोग इससे हैरान हो गए। लेकिन शाहीन खुद को मिली हुई जिम्मेदारी पर पूरी तरह से खरे उतरे। उन्होंने सटीक रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई और एक अजीम रिकॉर्ड खुद के नाम कर लिया। शाहीन ने किसी बड़ी T20 लीग का खिताब जीतने वाले सबसे युवा कप्तान बनने के मामले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ के नाम था, जिन्होंने साल 2012 में महज 22 साल की उम्र में सिडनी सिक्सर की अगुवाई करते हुए टीम को बिग बैश खिताब दिलाया था। और रोहित शर्मा ने साल 2013 में मुंबई इंडियंस को पहला IPL खिताब दिलाया था। उस वक्त वो 26 साल के थे। बात करें अगर शाहीन शाह अफरीदी की तो उनकी पैदाइश 6 अप्रैल साल 2000 की है और इस हिसाब से उन्हें 22 साल का होने में अभी फिलहाल पूरे एक महीना और कुछ दिनों से ज्यादा का वक्त बाकी है। ऐसे में शाहीन किसी नामी ग्रामी T20 लीग का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र वाले कप्तान बन चुके हैं। खैर, शाहीन की इस कामयाबी से सबसे ज्यादा खुश तो शाहिद अफरीदी हो रहे होंगे, क्योंकि शाहीन बहुत जल्द ही शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी अक्सा से निकाह करने वाले हैं।